डेनमार्क पाकिस्तान के तवानाई शोबे में तावुन का ख्वाहिशमंद। डेनमार्क के सफीर ने पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में तावुन के लिए ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की नई काबिले तजदीद पॉलिसी काबिले सिताइश है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर तवानाई उमर अयूब से डेनमार्क के सफीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में तवानाई के शोबे पर तबादला ख्याल किया गया। उमर अयूब ने कहा कि तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। मुल्क में मुकामी वसाइल से एनर्जी की शराह पैदावार बढ़ाना है। 2025 तक काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 20% हो जाएगा। वज़ीर तवानाई का कहना था कि काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों की तकमील मुसाबकती बोली से की जाएगी। तवानाई मार्केट को वसी और मसाकपति बनाया जा रहा है। इस मौके पर डेनिश सफीर ने कहा कि पाकिस्तान की काबिले तजदीद तवानाई के शोबे में तावुन के लिए ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान की नई काबिले तजदीद पॉलिसी काबिले सिताइश है। याद रहे कि गुज़श्ता माह फाकी वज़ीरे तवानाई उमर अयूब से मिस्री सफीर की मुलाकात हुई थी, जिसमें मिस्री सफीर ने कहा था कि मिस्र पाकिस्तान के तवानाई शोबे में G2G बुनियाद पर तावुन का ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के माबैन मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए तवानाई के शोबे में तावुन पैदा करेंगे।